बिसम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक होंगे तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक रेमेडी पर मुश्तमिल दो स्टेप्स में आपको बताऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म के हैं अगर आपके हाथों और पाँव बहुत ज़्यादा डल हो चुके हैं तो तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये रेमेडी है ये आपके हाथों और पाँव को गोरा भी करेगी और चमक भी लाएगी वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है उसके अंदर हमने ऐड करना है कॉफ़ी पाउडर यहाँ पे कॉफ़ी मेरी थोड़ी सी दर्दी है लेकिन कोई इशू नहीं क्योंकि हम सबसे पहले स्क्रबर रेडी करने वाले हैं तो कोई इशू नहीं कि अगर हमारी कॉफ़ी जो है वो थोड़ी दर्दरी भी है दानेदार भी है तो कोई मसला नहीं है ठीक है अगर आपका फाइन पाउडर है फिर भी ठीक है उसके बाद आपने एक चम्मच के करीब इसके अंदर चीनी ऐड करनी है जो नॉर्मल आप चाय में यूज़ करते हैं चीनी को बारीक करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे ही आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या आप देख सकते हैं ठीक है जी उसके बाद आपने इसके अंदर लेमन जूस ऐड करना है और लेमन की जो छिलका है उसको आपने फेंकना नहीं है एंड पे मैं बताऊँगी कि उसके साथ आपने क्या करना है ठीक है आप अपने लेमन जूस एक तकरीबन एक लेमन जूस आप इसके अंदर ऐड कर लें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से आप मिक्स करें मिक्सिंग आपने कम से कम एक मिनट जो है अच्छे तरीके से करनी है मिक्सिंग करने के बाद आप लोगों ने अपने हाथों पे अपने पाओं पे अपनी बॉडी के जिस पार्ट को आप लोग वाइट करना चाहते हैं ब्राइटन करना चाहते हैं आपने वहाँ पे अप्लाई करना है लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा हमारी चीनी है वो पिसी हुई नहीं है इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है अगर आप हल्के हाथों से मसाज करेंगे तो सारी टैनिंग रिमूव हो जाएगी लेकिन हाथ बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है पहली बात और दूसरी बात यह कम से कम एक से दो मिनट लोगों ने मसाज करना है और मसाज करने के बाद आपने अपने हाथों या पाओं पे जहाँ पे भी आपने इसको अप्लाई किया होगा आप वॉश कर लेंगे इससे क्या होगा आपके जितने भी डेड स्किन सेल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन रेडी हो जाएगी पैक के लिए तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं पैक को रेडी करना तो बाउल लिया बाउल के अंदर हमने ऐड करनी है मुल्तानी मिट्टी ठीक है मुल्तानी मिट्टी यहाँ पे मैंने एक चम्मच ऐड की है फिर इसके अंदर आपने कस्तूरी हल्दी पाउडर ऐड करना है अगर कस्तूरी हल्दी पाउडर नहीं है तो किचन हल्दी भी एक चुटकी आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है ठीक है जी उसके बाद आपने इसके अंदर लेमन जूस ऐड करना है लेमन जूस इसके अंदर स्क्वीज़ करना है कितना हाफ टेबल स्पून या फ्यू ड्रॉप्स आप ऐड कर लें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऐड करने के बाद आप नॉर्मल पानी जो पीने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो ऐड करके इसका एक स्मूथ सा आप लोग पैक रेडी कर लें ठीक है ये पैक इतना कमाल किस्म का काम करेगा अगर आप लोगों ने स्क्रबिंग अच्छे तरीके से की होगी ना पहला स्टेप अच्छे तरीके से किया होगा तो दूसरा स्टेप आपको कमाल किस्म के रिजल्ट देगा ठीक है वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है उसके उतारने का तरीका थोड़ा सा चेंज है वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ठीक है जी तो अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है अभी मैं क्लोज़ करके आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा पैक आपका रेडी होना चाहिए कि, कि आप अपने हाथों और पाँव पर लगाएं तो ये आपके बॉडी को या फिर आपके कपड़ों को बिल्कुल भी मैसी ना करे इसे गले पे भी यूज़ कर सकते हैं और एक मजे की बात बताऊँ इसको आप अपने चेहरे पे भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपने ले लेमन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है क्योंकि नींबू जो है वो स्किन के लिए इतना अच्छा नहीं होता लेकिन कोशिश करें कि आप हाथों और पाँव पर इस्तेमाल करें ठीक है इसके अलावा दोस्तों हाल में अपने चैनल के एनालिटिक्स में गई तो मुझे देख के बहुत दुख हुआ कि मेरे चैनल को बहुत से लोग देख रहे हैं पूरी पूरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे एटी वन परसेंट वो लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया करें ताकि मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए ये आपके लिए सबसे बेहतरीन हाल है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें अच्छा जब ये खुश्क हो जाए तो आपने थोड़ा सा पानी ज़्यादा पानी नहीं लेना आपने थोड़ा सा पानी लेना है जब ये पैक टोटली खुश्क हो जाए थोड़ा सा पानी ले और हल्का हल्का मसाज करें ज्यादा पानी नहीं लेना वरना ही आपका सारा पैक पानी से ही बह निकलेगा इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपने लेना है मसाज करना है मसाज करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके हाथ और पाँव पर जितना भी टैन होगा वो रिमूव हो जाएगा और आपके जो हाथ और पाँव हैं वो बिल्कुल नीट हो जाएंगे अब यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं चाहे तो आप जो लीमू का छिलका आपने बचाया होगा ना उस छिलके से मसाज कर लें चाहे तो अपने हाथों की मदद से कर करें थोड़ा सा पानी लेके चाहे तो आप उस लेमन की जो छिलका आपने छोड़ा होगा उससे आप मसाज कर लें इन शाला आपको बेहतरीन किस्म के रिजल्ट मिलेगी इसको तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट इसके हंड्रेड परसेंट है इसमें से किसी चीज़ का भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है ठीक है जी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेमडी उम्मीद आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके ऑल भी क्लिक कर लें ताकि मैं मजीद भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक फिकेशन चला जाए तो चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त अल्लाह हाफिज़